हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ भारत मोबिलिटी एक्सपो, जो कि हो रहा है प्रगति मैदान दिल्ली में, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर प्रेजेंट करी गई हैं। स्पेशली टाटा की कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि नई नई आई हैं, कुछ ईवीज़ की रेंज इन्होंने अपनी एक्सपैंड करी है, वो दिखाई है, और सीएनजी में भी एक नेक्सॉन का कंसेप्ट है, वो भी दिखाया गया है। और अभी मैं आपको डिटेल जो है वीडियोस दिखाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ब्रेक डाउन करके डालूँ, क्योंकि अगर मैं सारी गाड़ियों का एक साथ डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये अलग अलग हॉल में प्रेजेंट करी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से H4 है ये, और बाकी जो है दूसरे हॉल्स थे जिनमें अलग अलग जगह महिंद्रा ह्यूंडई एक जगह पर हैं, और बाकी यहाँ पर आपकी टाटा किया वगैरह थी, और कुछ जो हैं वो स्पेयर पार्ट्स और टायर्स के लिए हैं, ईवी बैटरीज के लिए हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहे हैं उनके लिए पूरा ये एक्सपो ऑर्गेनाइज करा जाता है। ऑटो एक्सपो से मेरे को थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार वाला ऑटो एक्सपो जो 2023 में हुआ था उसमें काफ़ी ब्रांड्स जैसे BMW, Volkswagen, Skoda वगैरह नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है वो ब्रांड्स, लेकिन यहाँ पर काफ़ी वाइड रेंज में कार्स प्रेजेंट करी गई हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली हैं। मैं डिटेल में आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, मैं जितनी गैदर कर पाऊँगा मैं उतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो हमारे सामने खड़ी है टाटा की कर्व, जो कि एक अलग ही सेगमेंट की टाटा ने गाड़ी निकाली है। इस सेगमेंट में कोई अभी तक इस प्राइस रेंज में तो कोई भी गाड़ी आई नहीं है। हमने BMW की गाड़ी देखी है एक, और हमने लम्बोर्गिनी देखी है उरस, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा जानी मानी एक जो है कूपे डिज़ाइन की गाड़ी मानते हैं। और कूपे डिज़ाइन में आपको बताऊं तो होता बेसिकली SUV की तरह है थोड़ा दिखने में, लेकिन थोड़ा सा एलोंगेटेड वर्जन होता है। इसमें गाड़ी में टायर साइज़ आप देखेंगे तो 215/60 R16 ही देखने को मिलेगा, और बाकी जो है गाड़ी का साइज़ देखने में ना काफ़ी ह्यूमंगस लग रहा है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसका जो है काफ़ी इंटीरियर टाटा नेक्सॉन से भी मैच कर रहा है। पिलर्स वगैरह आप देख सकते हैं, स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं, और डोर हैंडल्स तक भी थोड़े से मैच करते हैं। फ्रंट फेशिया में आप DRLs देखिए, कनेक्टिंग DRLs हैं जो कि नेक्सॉन से इंस्पायर्ड ही लग रही हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है, हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, फॉग लैम्प्स मिलेंगे। ये इसकी पावर स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही हैं। पावर स्पेसिफिकेशंस में मैंने जैसे आपको दिखाया 115 BHP और 260 Nm का टॉर्क था, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक डीजल इंजन ही इन्होंने जो है प्रेजेंट किया है, आई गेस इसमें पेट्रोल तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सिर्फ डीजल पे नहीं चला सकते गाड़ी को, क्योंकि मार्केट आजकल काफ़ी चेंज हो गई है। पेट्रोल पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ईवीज पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल इज़ अ मोर सेंसिबल ऑप्शन। तो गाड़ी का जो ये डिज़ाइन है, पीछे से आप इसका डिपार्चर एंगल देखिए, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। आप कैमरा में उतना जस्टिफाई मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसका जो डिपार्चर एंगल था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। पीछे कनेक्टिंग लाइट मिलेंगी इसमें, और आप ये क्लैडिंग वगैरह देख सकते हैं, बम्पर पे ग्लॉसी इफेक्ट भी मिल जाएगा। इसमें ऑरेंज पील नहीं थी इसके पेंट में बिल्कुल भी, मजाक से हट के पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो रियल लाइफ में जो प्रोडक्शन के बाद गाड़ी आएंगी वो पता नहीं कैसी आएंगी। मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस जहाँ तक लगता है इसमें 220/15 ऐसे रहने वाली है। इसमें स्पेसिफिकेशंस मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, क्रेटा से थोड़ी सी लॉन्ग मतलब व्हील बेस कम है, लेकिन चौड़ी मैं कह सकता हूँ ये है उससे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस मैं जहाँ तक प्राइसेस का गेस कर सकता हूँ, इसका जाएगा अराउंड मैं कह सकता हूँ 10-11 से स्टार्ट होगी। पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको गाड़ी में, और ये अपनी हैरियर ईवी भी करी है टाटा ने इंट्रोड्यूस, जो कि कॉन्सेप्ट है। कोई भी पावर फिगर्स वगैरह और बैटरी साइज वगैरह नहीं यहाँ पर डिस्क्लोज करी गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचर बेस्ड गाड़ी है जहाँ तक मेरे को लगता है। ये काफ़ी हिट होगी, लेकिन प्राइस इसका अभी तक पंच वगैरह देख के तो मेरे को लगता है कि 40-45 लाख आराम से पहुँच जाएगा, क्योंकि पंच ही 18 लाख तक पहुँच गई ईवी में, और लुक्स तो हैरियर के
नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। एलॉयज भी आप देखिए बहुत सुंदर है। दोस्तों अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखोगे तो वो XUV700 की तरह लगेंगे आपको, और इसमें जो है सेंसर जो है डोर हैंडल का वो अलग से प्लेस किया गया है, उसमें कोई भी मुझे लगता नहीं ये पॉप आउट होंगे अपने आप, लेकिन आप देख सकते हैं सेंसर अलग से है और दूसरी साइड पे सेंसर नहीं था, तो आपको सिंगल साइड पे ही इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है। और विंडो एरिया काफ़ी अच्छा लगा मेरे को गाड़ी का, अच्छा होने वाला है, सेडान जैसी फील दे रहा है थोड़ा पीछे वाला विंडो, लेकिन ऑब्वियसली सेडान तो है नहीं। और इसमें गाड़ी में ग्लॉसी एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है बम्पर में भी ना, और कनेक्टिंग DRL मेरे को नेक्सॉन से भी इसकी काफ़ी फार बेटर लगी। नेक्सॉन छोड़ो आप, बाकी जितनी भी अभी कनेक्टिंग DRL वाली गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में करेंटली, उन सबसे ज़्यादा सुंदर देखने को मिलने वाली है। और दूसरी साइड पे जैसे मैं अभी फोकस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अभी देखना इसका जो डोर हैंडल है वो यहाँ पर सेंसर नहीं देखने के लिए मिला आपको, तो पॉप आउट ऑब्वियसली मेरे को लगता नहीं होंगे, मतलब ऑटोमेटिकली मैं कह रहा हूँ पॉप आउट तो ऑब्वियसली होंगे कि अंदर रहेंगे। और बार बार मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, बूट स्पेस आप देखिए 422 लीटर का है, क्रेटा से थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो है मैनुअल ट्रांसमिशन अभी बताया गया है, हो सकता है AMT या टॉक कन्वर्टर आए। अगली गाड़ी खड़ी थी दोस्तों यहाँ पर टाटा की अल्ट्रॉस, जो कि iTurbo के साथ ही मिलने वाली है, जो कि अभी आ रहा है 120 BHP और 170 Nm का टॉर्क, और जो कि पहले ही इनके iTurbo में आ रहा था, और इसमें DCT वगैरह को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप अलॉयज चेक करो, ये फ्यूल के अलॉयज हैं जो कि टाटा लगा के दे रही है, ये प्रोडक्शन के बाद हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्यूल के अलॉयज के साथ ही जो कि थार वगैरह में लोग लगाते हैं। फिगर अगर आप देखोगे तो 185/55 R16 थी, जो कि चौड़ाई में थोड़ा कम है टायर, लेकिन वैसे ओके है। 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए यहाँ पर गाड़ी में मिलेगा, ग्लॉसी एलिमेंट्स यहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, जो यहाँ पर दोस्तों आप कैमरा में देख पाओगे या नहीं, इसके जो ये स्टिकर है ना सीधे वाले स्ट्राइप, ये थोड़े ना इम्प्रॉपर लगे हुए थे। यहाँ पर नेक्सॉन थी ICNG में, ये इंट्रोड्यूस करी गई, पावर फिगर्स इसके भी अभी रिलीज़ नहीं करें जैसे अल्ट्रोज और कर्व के कर दिए गए। इसके पावर फिगर्स जहाँ तक मेरे को लगता है अभी 1.2 वाला टर्बो इंजन जो इनका आता है उसमें जो है मान के चला 15 से 20 BHP माइनस हो जाएंगी, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है, तो CNG के साथ उतना मेल मेरे को लगता नहीं इस इंजन का बैठ पाएगा। CNG के सिलेंडर्स आप देखिए कितने वेल कैलिब्रेटेड हैं, और बूट में स्पेस पूरा पूरा मिलने वाला है। नीचे आपको स्टेपनी का जो इसका टायर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, और अलॉय व्हील सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर अपनी जो है डार्क रेड एडिशन जो है सफारी खड़ी थी, जो कि अभी आ रही है, ये इन्होंने अपना लाइनअप पूरा ही शो करा है गाड़ियों का यहाँ पर, और ब्लैक रेड एडिशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बाकी इसमें 19 इंच के ही अलॉय व्हील्स हैं, ये टॉप मॉडल ही होगा ऑब्वियसली जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये तो सेम ही है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ एक्स्ट्रा, ये तो आई जी है ऑलरेडी। यहाँ पर सफारी की बैजिंग देखो रेड में है, काफ़ी अच्छी लग रही है, इंटीरियर भी रेड में है भाई, काफ़ी नाइस वर्क। टाटा ने ना 360 डिग्री कैमरा सारी गाड़ियों में डाल दिया अपनी एक, तो यहाँ पर अब पंच EV देखो आप, ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, इसमें तो डिटेल रिव्यू में लाने की कोशिश करूँगा गाड़ी का। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलर स्कीम निकाली है, और अलॉय व्हील आप देखो रेगुलर पंच से डिफरेंट है। पंच EV ना थोड़ी सी बस मेरे को महंगी ज़्यादा लगी, 18 लाख तक ये गाड़ी पहुँच चुकी है, थोड़ी मेरे को ओवर प्राइस लगी, लेकिन फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इंटीरियर वगैरह अगर आप देखोगे ना बाकी गाड़ियों जैसे ही कर दिया है टाटा ने अपनी। और यहाँ पर जो है ग्रीन कलर भी है पंच EV का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है, और सेम कलर आपका यहाँ पर आपको हैरियर में देखने के लिए मिल जाएगा, जो हैरियर का कंसेप्ट था EV में। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बाकी गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा आपको, काफ़ी खास खास और भी गाड़ियाँ हैं, उस वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करना बस, वो वीडियो मैं लाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस अगर मेरी वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो आपको प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं अगली वीडियो में उनको बेटरमेंट उनमें कोशिश करूँगा कि ला पाऊँ।
और यहाँ पर ना मैं गाड़ियाँ ही इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखो, मैं और ज़्यादा रेगुलर रहूँगा उस वजह से अगर आप वीडियो देखोगे तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए मेरी वीडियो, बाय बाय।